नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मामला फतेहपुर जनपद के विकासखंड देवमई ब्लॉक के कैरीहर गांव का है, जहां प्रधान संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने प्रधान शिव देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधान संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों द्वारा याद किया गया। बताते चले कि विकासखंड देवमई ब्लॉक के कौड़िया ग्राम सभा के छिवगली गांव प्रधान शिवदेवी की रोड हादसे में मौत हो गई थी। शिवदेवी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधान संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधान अध्यक्ष रघुवंश यादव के साथ सभी पदाधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर परिवार से मिलकर और उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। मिर्जापुर के मंझुवा विधानसभा प्रसपा की बैठक इमामबाड़ा स्थित हनुमान मंदिर पर हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा ने की। लक्ष्मण उमर जिला अध्यक्ष सपा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव द्वारा सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया। 12 अक्टूबर से ये रथ यात्रा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरू हो चुकी है, जिसका जन समर्थन पूरे प्रदेश में जनता समर्थन दे रही है। सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा जी, विधानसभा के सम्मानित प्रभारी श्री शिवशंकर यादव जी द्वारा ये महत्वपूर्ण मीटिंग रखने का काम किया। मैं सभी ऐसे अपने अध्यक्ष और प्रभारी महोदय को और आए हुए सभी जनता दर्दार्दर से आने वाले समय में जब भी जनपद में रथ यात्रा आएगी उसके स्वागत के लिए जनसैलाब उभरना चाहिए, इसी आशा विश्वास के साथ सभी मीटिंग में आए हुए सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय समाज। जनपद प्रतापगढ़ में लालगंज कोतवाली की अनोखी पहल देखने को मिली। बता दें कि मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पुलिस ने रूट मार्च निकाला। बता दें कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कोतवाल कमलेश पास समेत भारी पुलिस बल मौजूद रही। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से भारी पुलिस बल तैनात रही और त्योहारों पर शांति सुरक्षा को लेकर ये रूट मार्च किया गया है। रूट मार्च के दौरान सभी जगह पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने की तैयारियों का जायजा लिया पुलिस बल ने। लालगंज पुलिस ने ये रूट मार्च निकाला ताकि शांति व्यवस्था, साथ ही कोरोना के नियमों का पालन भी कराया जा सके, भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। तो त्योहारों का मौसम है, यानी कि त्योहार शुरू हो चुके हैं और ऐसे में बाजारों में रौनक देखने को मिलती है, लोगों की भीड़ देखने को मिलती है और ऐसे में कभी कभी अप्रिय घटनाएं भी देखने को मिलती है, शांति का माहौल भी हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए लालगंज पुलिस ने रोड मार्च निकाला और रोड मार्च के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर पहुंचे। रामपुर के नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर हुनर हाट आयोजन स्थल का निरीक्षण और भ्रमण किया। इसके बाद नकवी ने प्रेस वार्ता की। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान वीआईपी गेस्ट रूम, जिसमें प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, उसकी सीलिंग टाइल उखड़कर ऊपर से गिरने लगी, जिससे चोटिल होते होते नकवी बाल बाल बच गए। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से चोटिल होते होते नकवी बचे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रामपुर पहुंचे थे, जहां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस दौरान ये हादसा होते होते बचा। देखो भैया, इन लोगों ने जो सीडो सेकुलर ब्रिगेड है या छद्म धर्मनिरपेक्ष सिंडिकेट है, उसने सावरकर जी को जो है वो सांप्रदायिक बनाकर छोड़ दिया और एक झूठे मनगढ़ंत किस्से कहानियों के आधार पर समाज में एक हिस्से में उनके प्रति नफरत पैदा की। जिनको उस सच्चाई को देखना है वो सेलुलर जेल चले जाए, काला पानी। अब काला पानी में लोग जो है नजरबंद नहीं होते, डरने की जरूरत नहीं है, जाएं साहित्य देखें, उसका अध्ययन करें। और वीर सावरकर के जो ज़्यादातर दोस्त थे वो मुस्लिम समाज के
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो सेलुलर जेल में थे, मैं तो खुद जाकर के देखे हैं। इसलिए अब जिन लोगों ने जो है वो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए पेश किया था वो एक्सपोज में। अच्छा लखवी जी, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, अयोध्या से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव देवकाली तिराहे पर रखकर रोड जाम किया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग भी की गई। बता दें कि कल देर रात दबंगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दो बच्चियों को भी गोली मार दी गई थी। वहीं घटना के बाद बच्चियों का लखनऊ में इलाज चल रहा है। स्थानीय जनता ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। वहीं मौके पर से 5 लग्जरी वाहन भी बरामद हुए थे। फतेहपुर के हुसैनगंज हाथगांव मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं और हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे को लेकर राहगीरों ने बताया कि बाइक चालक नशे की हालत में था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और घायलों को हुसैनगंज CHC में भर्ती कराया गया। तो हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। फतेहपुर से ये खबर सामने आई है जहां पे नशे की हालत में बाइक सवार के गलती से 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। गंभीर बताए जा रहे हैं घायल और पुलिस ने जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और जायजा लिया। साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 4 लोग घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और राहगीरों ने बताया कि बाइक चालक नशे की हालत में था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया है और घायलों को हुसैनगंज CHC में भर्ती कराया गया है। वहीं अब खबर शाजापुर से है जहां 3 बच्चों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थलीय लोगों ने शव निकालकर डॉक्टर के पास पहुंचे जहां डॉक्टर ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। थाना मदनापुर के बरुआ गांव की घटना है। 3 बच्चे आपस में भाई हैं। बता दें तालाब में नहाते समय यह हादसा हुआ है। इन 3 बच्चों में 2 बच्चे 10-10 उम्र के हैं और 1 12 वर्ष का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता 3 दिवसीय धरने पर बैठे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। रामपुर सांसद आजम खान और आजम खान की पत्नी नगर विधायिका तंजीम फातिमा सहित बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ हुई कार्यवाही से बेहद नाराज हैं सपा कार्यकर्ता, जिसको लेकर धमोरा स्थित हाईवे किनारे होटल पर सपा के कार्यकर्ता 3 दिवसीय प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि आजम खान सहित अब्दुल्ला आजम खान को जेल से रिहा किया जाए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो समाजवादी पार्टी आगे और भी बड़े स्तर पर धरना करने के लिए तैयार है और आगे बड़े लेवल पर धरना किया जाएगा। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी भगवान दास फौजी ने कहा कि सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलकर आजम खान और आजम खान की यूनिवर्सिटी को बचाना है, इसलिए हम लोग 3 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि सरकार आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जेल से रिहा करे। देखिए, हमारा उद्देश्य एक है कि हमारे माननीय आजम मंत्री साहब आजम खान साहब की रिहाई हो। एक रामपुर के बहुत हितप्रिय नेता हैं, हमारे बुजुर्ग नेता हैं, इनका जेल में रहने का समय नहीं है। और हमारी मांग यह है, यूनिवर्सिटी जो स्कूल है, जो स्कूल को हम लोग हमारी भाषा में, हिंदू भाषा में मंदिर कहते हैं, तो मंदिर को तोड़ा नहीं जाता साहब, मंदिर को बनाया जाता है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला फतेहपुर जनपद के थाना कल्याणपुर का है जहां पुलिस और SOG टीम ने गुनीर रोड बक्सर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बता दें उन्नाव की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो अभियुक्त पुलिस पर फायरिंग कर वापस उन्नाव की तरफ भागने लगे। पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है जिसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है और दूसरे बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में
कामयाब रहा। आसपास के क्षेत्र में पुलिस की कॉम्बिंग चल रही है। गिरफ्तार अभियुक्त अजमेरी पुत्र मुन्ना खान निवासी कोड़ा जहानाबाद का बताया जा रहा है। वही जनपद फतेहपुर के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पर जनपद के विभिन्न थानों में लूट, हत्या, डकैती और गौकशी जैसे संगीन धाराओं के लगभग 14 मुकदमे पंजीकृत हैं और आसपास के जनपदों से भी अभियुक्त का आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है। आज जनपद फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में गुनीर मोड़ के पास में एक पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक सातीर बदमाश अजमेरी नट कोड़ा जहानाबाद का रहने वाला है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे फतेहपुर में एवं अन्य आसपास के जनपदों में कायम है, हत्या, डकैती, लूट और गोकशी के। सहारनपुर पहुंचे राज्य मंत्री उदय भान सिंह आज सहारनपुर पहुंच गए और जहां पर उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर अपने फूफा जी यानी कि स्वर्गीय वल्लभ सिंह को बनाए गए शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर भावनी श्रद्धांजलि दी और इस दौरान राज्य मंत्री उदय भान सिंह ने श्रद्धांजलि के दौरान भावुक हो गए। राज्य मंत्री उदय भान सिंह के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि यूपी में दोबारा गाजे बाजे के साथ बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि जो जनमानस बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, वो योगी मोदी सरकार के नाम का भजन कर रहा है। उदय भान ने कहा कि निंदा करने वालों को भी धन्यवाद देते हैं जो हमें शीशे में भी दिखाने की नहीं चाहते। देखिए ऐसा है, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूं। हमारे यहाँ निर्यात लगातार बढ़ा है। आप चाहेंगे तो मैं इसके आंकड़े भी आपको भिजवा दूंगा, अभी 2 घंटे के अंदर इसके आंकड़े भिजवा दूंगा। निर्यात भी बढ़ा है, विदेशी पूंजी भी बढ़ी है। भाई जो देश कटोरा लेकर के कभी खड़ा हुआ था, विदेश में जाता था देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब विदेश जाता था कुछ लेने के लिए जाता था। आज मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री विदेश में कुछ देने के लिए जा रहा है। जो हम औरों को देख रहे थे, आज और हमारी तरफ देख रहे हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि निर्यात बढ़ा है, हमारे पास पूंजी बढ़ी है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।